जय माता दी। आज अभी हम लोग आए हैं संकटा माता जी की पूजा में। आज हमारे फ्रेंड रागनी ने संकटा माता जी का उद्यापन रखा है, तो चलिए माता जी की पूजा में चलते हैं। और अभी सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं, क्योंकि जब भी संकटा माता जी का जो भी व्रत रखते हैं तो उसमें सुहागनों को प्रसाद खिलाया जाता है मीठे का। तो आप 5-7 जितनी भी सुहागन महिलाएं होती हैं उनको प्रसाद खिलाते हैं घर में बुला के। तो ये रहा माता जी का मंदिर जहाँ पे संकटा माता जी विराजमान हैं। तो दर्शन कर लीजिए और पूजा में हमारे साथ बने रहिए। Okay.
सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जो भी जिसके मन में मनोकामना होती है वो पूरी होती है। बोलो संकटा मैया की जय। हम लोग संकटा माता जी के उद्यापन पे आए हैं, उसमें मन्नत माननी होती है या इसमें इसके बाद आप 5-7 जितनी भी प्राप्ति होती सुहागनों को आप प्रसाद खिलाते हैं। तो आज हमारी फ्रेंड रागनी ने रखा है, तो अभी हम लोग रागनी के घर पे आए हैं। तो रागनी, संकटा माता जी के बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से व्रत रखते हैं और जब कैसे उद्यापन करते हैं। इसमें व्रत नहीं होता है, केवल पूजा करते हैं संकटा मैया की और मीठा खिलाते हैं, रसमलाई है, हलवा है, कुछ भी उद्यापन के समय खिलाते हैं। तो अभी माता संकटा जी की पूजा संपन्न हो चुकी है, अब टीका प्रसाद लेके हम लोग अपने घर को जाएंगे। माता देवी संकटा बहुत जल्दी और बहुत ही सरलता से अपने भक्तों पे प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती है। तो सभी लोग कभी ना कभी माता संकटा का व्रत जरूर रखते हैं और पूजा विधि करते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ।